दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वीडियो की टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट 18, 19, 25 और 26 फरवरी को, इसके बारे में देखेंगे। एक तरीके से फर्जी नोटिस है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसके बारे में पूछ रहे थे, हालांकि मैंने टेलीग्राम पर इसके बारे में दोपहर में बता दिया था कि ये नोटिस फर्जी है, लेकिन कई सारे व्हाट्सएप पर भी कमेंट आ रहे थे, लोग पूछ रहे थे, तो इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा राजस्थान में प्रवक्ता भर्ती के बारे में अपडेट है, DWSB प्रवक्ता भर्ती के बारे में अपडेट और CET भर्ती के अंतर्गत लाखों पदों पर भर्तियां हो रही है, उसके बारे में भी अपडेट है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, साथ में अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों कल से सोशल मीडिया पर ये नोटिस वायरल हो रही है और इसमें डेट देखेंगे तो 8 नवंबर 2022 की पड़ी हुई है। विषय में देख सकते हैं, टीजीटी और पीजीटी परीक्षा 2022 के संबंध में आवश्यक सूचना। अब यहाँ पर नीचे देखो लिखा गया है कि जो इसके अंतर्गत टीजीटी की परीक्षा होगी वो 18 और 19 फरवरी 2023 को करवाई जाएगी और पीजीटी की जो परीक्षा होगी 25 और 26 फरवरी 2023 को कराए जाने का बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया है। यहाँ पर जो फॉर्मेट देख सकते हैं, बिल्कुल ऑफिशियल फॉर्मेट है, एक तरीके से अभ्यर्थियों को भ्रमित करने के लिए, गुमराह करने के लिए नोटिस जारी की गई है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये लोग ऐसी नोटिस वायरल क्यों करते हैं, क्या बेनिफिट इनको मिलता है। हालांकि इस नोटिस को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर दो चीजें महत्वपूर्ण लिखी हैं। देखिए यहाँ डिस्क्लेमर में लिखा हुआ है ओनली एक्सपेक्टेड नॉट ऑफिशियली, एक बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि ये फर्जी है। दूसरा, यहाँ पर नोट में हिंदी से दिया गया कि ये सूचना केवल संभावनाओं पर आधारित है, ठीक है। तो अभी तक ऑफिशियल एग्जाम डेट जारी नहीं की गई है और जैसे ही जारी होगी तो हमारे चैनल के माध्यम से जो कुछ भी अपडेट होगी हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। और जब तक आप लोग ये समझ लीजिए कि चयन बोर्ड में मेंबर नहीं आ जाते हैं तब तक ये एग्जाम डेट आपकी नहीं जारी हो सकती है, ठीक है। चयन बोर्ड अगर जारी करना होता, खुद सेल्फ करना होता जज आपको, तो बहुत पहले जारी कर दिए होते, लेकिन उनके बस की बात नहीं है। जब तक मेंबर नहीं आएंगे तब तक कोई भी एग्जाम डेट जारी नहीं होगी। वेट करिए, 10 से 15 दिन में उम्मीद है कि आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं आए समझ लीजिए कि परीक्षा में बहुत ज्यादा डिले होने वाला है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं कि हमारे यहाँ टीजीटी 2022 एग्जाम के लिए 11 विषयों की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसमें जो है म्यूजिक, एग्रीकल्चर को छोड़ करके लगभग सभी विषयों के टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। तो अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे इसमें आपको, चैप्टर वाइज पेपर मिलेंगे, सब्जेक्ट टेस्ट मिलेगा, मॉक टेस्ट भी मिलेगा फुल लेंथ। तो अगर देखना चाह रहे हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए हमारा एग्जाम प्रिपरेशन बाय ABTECH, ठीक है। इसमें जा करके आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। ये कोर्स आप टीचिंग पैक के अंतर्गत भी ले सकते हैं और इसके अलावा यूपी टीजीटी का स्पेशल पैकेज है उसमें भी ले सकते हैं। 699 का ये प्राइस है, इसमें आपको करीब 8,900 टेस्ट मिलेंगे इस टीचिंग पैकेज में, ठीक है। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग टीचिंग एग्जाम वाला पैकेज जरूर चेकआउट कर लीजिएगा ऐप में जा करके। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस पैकेज में आपको उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम मिल जाएंगे और उत्तराखंड एग्जाम के भी सारे, मतलब एग्जाम के जो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अगली जो अपडेट है वो यहाँ पर देखी है DWSB से। DWSB की तरफ से आज 9 नवंबर को नोटिस जारी हुई है और यहाँ पर नोटिस संबंधित है आपकी PGT यानी प्रवक्ता भर्ती में जो एग्जाम हुए थे उसकी आंसर की के बारे में। यहाँ पर देखिए बताया गया कि PGT संस्कृत फीमेल का एग्जाम, PGT उर्दू मेल का एग्जाम और PGT उर्दू फीमेल, इनका एग्जाम 3 नवंबर को करवाया गया था और मैनेजर IT 4 नवंबर को, मैनेजर ट्रैफिक 31 अक्टूबर को। तो इसकी जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन करके सारी चीजें चेकआउट कर सकते हैं। ये आंसर की जो है आपको 9 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर तक अवेलेबल रहेगी। कोई क्वेरी होती है, कोई दिक्कत होती है, ऑब्जेक्शन डालना है तो आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से डाल सकते हैं। बात कर लेते हैं हम लोग राजस्थान प्रवक्ता भर्ती को लेकर के, तो यहाँ पर देखिये 9 नवंबर को ये नोटिस जारी हुई है और आपको बता दें राजस्थान की तरफ से संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत लेक्चरर की भर्ती आई थी, ठीक है। तो इसकी परीक्षा के बारे में यहाँ पर पूरी टाइमलाइन दी गई, कब इसकी परीक्षा करवाई जाएगी और किस दिन कौन सा विषय होगा, तो यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं और इसके बारे में बताया गया कि इन परीक्षाओं के लिए जो
एग्जाम सिटी है वो जारी कर दी गई है। एग्जाम सिटी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो परीक्षा के 4 दिन पहले आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए जो पहला एग्जाम है 15 तारीख को लगा है, तो ये मान लीजिए 11 या 12 तारीख को आपका इसका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। ठीक है, अंत में बात कर लेते हैं राजस्थान के अंतर्गत सीईटी भर्ती के बारे में। लाखों पदों पर यहाँ पर भर्तियां हो रही हैं। कौन कौन से पदों पर भर्तियां हो रही है, तो यहाँ पर देखिए वनपाल की भर्ती होने वाली है, छात्रावास अधीक्षक की भर्ती है, लिपिक ग्रेड टू की भर्ती है, कनिष्ठ सहायक की भर्ती है, जमादार ग्रेड टू की भर्ती है, कॉन्स्टेबल की भर्ती है। ये सब जो भर्तियां हैं आपका सेकेंडरी स्तर के आधार पर हो रही है, 12th लेवल के आधार पर हो रही है। और इस बार राजस्थान में पहली बार सीईटी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, यानी कॉमन पात्रता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जो भी अभ्यर्थी इन भर्तियों में शामिल होना चाहते हैं वो लोग इसमें आवेदन जरूर कर दें। लास्ट डेट बहुत नजदीक आ गई है और इसी वजह से रिमाइंडर के तौर पर यहाँ पर देखिए नोटिस जारी कर दी गई है। ये उसी तरीके से भर्ती है जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में पीटी परीक्षा होती है, तो पीटी के माध्यम से आप लोग जानते हैं यूपी उत्तर प्रदेश में जो है ग्रुप सी की भर्तियां होती हैं, उसी तरीके से राजस्थान में अब की बार से सीटी करवाया जाने लगा है। तो सीटी के माध्यम से सारी भर्तियां देखने को मिलेगी, जो अभ्यर्थी सीटी क्वालिफाई होंगे वही अभ्यर्थी इन भर्तियों में शामिल हो पाएंगे। इसके बारे में बताया गया है कि इसमें लास्ट डेट जो है 11 नवंबर 2022 है, मात्र 2 दिन शेष बचे हैं। अगर आपने इसमें आवेदन नहीं किया, इन भर्तियों में भाग लेने के इच्छुक हैं, तो आप इसमें आवेदन। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत उत्तर कुंजी मामला आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई थी और यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए कि उत्तर कुंजी में जो एक प्रश्न का विवाद था, उस एक प्रश्न के विवाद में अभ्यर्थियों की जीत हुई है और सरकार की यहाँ पर हार हुई है। तो जो अभ्यर्थी एक प्रश्न से बाहर हो रहे थे उन अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई, आपका एक नंबर का जो विवाद है सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हो गया है और अब जो भी एक नंबर से फेल हो रहे थे उनको शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जाएगा। और यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जो एक प्रश्न से बाहर हो रहे थे लगभग लगभग 1000 अभ्यर्थी हैं, तो अब इनको सुप्रीम कोर्ट ने राहत प्रदान कर दी है, अब ये लोग 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत पास हो जाएंगे। हालांकि इसका जो रिजल्ट वगैरह होगा वो जारी होगा, जो भी याचिकागण होंगे या जो कुछ भी होगा, ठीक है, तो आने वाले टाइम पर कोई अपडेट मिलेगी तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। बढ़ते हम लोग अंतिम अपडेट की तरफ, तो अनुदेशक भर्ती का मामला भी आज सुप्रीम कोर्ट में था, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इस मामले पर कल पुनः सुनवाई होगी। सीनियर वकीलों से अभी बात हुई है, उन्होंने बताया कि अभी तो सरकार ने अपनी बात रखी है, कल हम लोगों की बारी है। पूरा भरोसा दिया गया कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, उम्मीद है कल संघर्ष का आखिरी दिन होगा। तो केस नंबर डायरी नंबर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और कल पुनः इसकी सुनवाई होनी है। दोस्तों ये होगा आज की सारी अपडेट, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।